नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक सिपाही ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। दरअसल दिव्यांग की बेरहमी से पिटाई करने वाले सिपाही पर कार्रवाई हुई है। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने आरोपी कांस्टेबल पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि इस वीडियो में एक पुलिस कांस्टेबल दिव्यांग को मारते हुए जमीन पर ढकेलते हुए देखा गया है और वही इस दौरान आसपास खड़े पुलिस वाले दिव्यांग की कोई मदद नहीं करते हैं। आप हमें, आपने हमारे ऊपर थप्पड़ चलाया, आप ये बताइए क्या गलती की? बच्चे को दवा दिला दे आया तो बाप चाचा बोले इधर से आ रहा था तो मैंने कहा तेरा निकल रहा भाई मैं आ रहा हूँ चाचा बड़े चाचा आपने बोला नहीं नहीं हमारा काम है हमारा काम है कवरेज करना। इतना मारा सर जी अपना दिखा के ये देखो फोड़ दिया सर, ये मैंने सब कुछ बटर लेटर सारे तोड़ दिए। मैं अपने बच्चे को दवा दिलाने मेरा इसमें भी रोड पड़ी सब मैंने काम या थाने ले चलो कानून मेरे के लिए भी है। ये गलत कर रहे भाई, ये कानून गलत कर रहा भाई। मेरे साथ अन्याय का अन्याय बोला जूता मार लेते नहीं नहीं पुलिस की धमकी दिखा के मैंने गलती नहीं करी सर जी कसम से सर जी मैं कहता हूँ फिर भी मुझे पीटा सर जी क्यों मुझे पीटा भाई है मैं बच्चे को दबाला मैं अगर रॉन्ग साइड में हूँ या गलत साइड में हूँ तो आप बताइए है मैं साइड में बिल्कुल जाज में था तो सर जी मेरे कान में इतनी तेज मारा मुझे कम सुनने लग गया कदम से। ये देखो ये बैठे मैंने कहा भाई मैंने आपको कुछ नहीं बोला कुछ नहीं बोला अगर बोला नहीं हो तो बताइए आप फिर क्यों मार रहे मुझे है आपका ये है कानून है मेरे पास हथियार नहीं है। देखो सर मेरा ये भी टूटा पड़ा है मैं अपने बच्चे को दवा दिलाने आया और ये रहा सर जी जो भी है सर मैंने कहा सर जी मैं आपको कुछ नहीं बोला अब आगे बाद मुझे इनने पीटा सर जी मुझे ये भी मेरे रोड पड़ी सर जी मेरा कंपनी में एक्सीडेंट हो गया मैं अपनी इज्जत से कमाता हूँ किसी को गलत नहीं बोलता हूँ सर जी कोई अगर मेरे खिलाफ कह दे मेरे 100 जूता मारो मुझे केस में रफा दफा कर दो लेकिन सर जी मेरा कला सर जी देख लो आप सर जी आप ही लोग हो सर जी देखो मुझे सर जी प्रथम बार अगर मैं गलत चला हूँ सर जी तो मुझे गलत बात मैं गरीब हूँ तो मैं इज्जत कमाता हूँ तो मैं अगर मेरी गलती है तो मुझे जेल करो मैं नहीं कहता चाबी फोड़े से ले लिया मैंने गिरा दिया क्या सच है क्या झूठ अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे एचबीएन न्यूज।